तो फोर्थ पार्ट में हमें वन दे रखा है लास्ट में, और हमें निकालने हैं वन के फैक्टर्स. तो वन के फैक्टर्स होंगे, फैक्टर ऑफ वन या तो प्लस वन होगा या तो माइनस वन. इसके बाद यानी इन दोनों की टेबल में वन आएगा, ठीक है. इसके बाद एक ही करके पुट करते हैं. पहले प्लस वन की वैल्यू ले लेते हैं, तो पी ऑफ वन लेके देखते हैं, यानी वाई की जगह वन पुट करके देखते हैं. टू इंटू वन का क्यूब प्लस, ये क्यूब है, वाई की जगह वन रखना है तो वन का स्क्वायर माइनस टू इंटू वन माइनस वन. टू इंटू वन ये हो जाएगा टू, क्योंकि वन का क्यूब तो वन ही होता है, प्लस वन का स्क्वायर भी वन होता है, टू वन जा होता है टू, माइनस प्लस माइनस, लास्ट वाला माइनस वन एज इट इज. प्लस टू से माइनस टू कटा, प्लस वन से माइनस वन कटा, जीरो आ गया आंसर. तो हमें अपना नंबर मिल गया है, वो है प्लस वन. वाई माइनस वन हमारा फैक्टर, क्योंकि नंबर है प्लस वन, तो वाई माइनस वन हमारा फैक्टर है, इज द रिक्वायर्ड फैक्टर. अब ये हमारा फैक्टर मिल गया हमें वाई माइनस वन. अब सिंपली हमें डिवाइड करना है इन दोनों को लॉन्ग डिविजन से, यानी y माइनस वन बाहर आएगा और अंदर आएगा हमारा टू वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई माइनस वन. फिर वही करेंगे, पहली टर्म्स को, दोनों की पहली टर्म्स को आप डिवाइड कर दोगे, लाइन खींच देते हैं, दोनों की पहली टर्म्स को जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा टू वाई का स्क्वायर. y से एक y कट जाएगा, देखो किसी को अभी भी समझ नहीं आया तो यहाँ देख लो, टू वाई क्यूब अपॉन y करोगे तो y से एक y कट जाएगा, 2y का स्क्वायर बचा जो जाएगा ऊपर क्वेश्चन में यहां पर. अब इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, तो आएगा हमारा 2y क्यूब, y से करा तो माइनस 2y स्क्वायर, 1 से करेंगे वही आएगा. और अब करेंगे हम साइन उल्टा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, दोनों को काट दो. प्लस 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 होता है, यहां पर एक वाई स्क्वायर है, यहां पर दो वाई स्क्वायर है, तो टोटल हो जाएंगे हमारे 3y स्क्वायर, वो भी प्लस के. अब इसके बाद माइनस 2y माइनस 1, फिर से y को 3y स्क्वायर डिवाइड करो, 3y स्क्वायर को y से डिवाइड करो, और कटा हमारा बचा 3y, वो भी प्लस का. 3y को फिर y से मल्टीप्लाई करेंगे, वही आएगा हमारा सड़ा हुआ 3y स्क्वायर आंसर, एंड 3y को 1 से मल्टीप्लाई करके नेगेटिव का 3y. साइन उल्टा करेंगे दोबारा से, काटेंगे इनको, माइनस प्लस माइनस होता है, एक ही वाई बचेगा क्योंकि यहाँ पे दो वाई है, यहाँ पे तीन वाई है, और वो भी आएगा प्लस में क्योंकि बड़े नंबर के साथ प्लस का साइन है. ये बचा माइनस वन, साफ साफ दिख रहा है वाई माइनस वन, वाई माइनस वन, सीधा वन लिख दो यहाँ पे. क्यों? वाई को वाई से डिवाइड करोगे तो वन ही आंसर आएगा, और फिर वन को जब इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो वाई माइनस वन ही आंसर आएगा. लास्ट में कर देंगे हम साइन उल्टे, काट देंगे, और बचा हमारा रिमाइंडर जीरो. अब करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट, अगला स्टेप हमारा. यहां पे डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर. डिवाइजर हमारा y माइनस वन, क्वोशेंट हमारा ऊपर लिखा हुआ है 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, और बचा रिमाइंडर हमारा नीचे जीरो. ओके, देन y माइनस वन को एज इट इज लिख दो. मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे इसका, देखो 2 वन जा होता है 2, और 2 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू वन, और देखो 2 और 1 को प्लस करके 3 भी आ रहा है. मिल गए हमें फैक्टर्स. पहली टर्म को तो एज इट इज लिखो, लास्ट टर्म को भी एज इट इज लिखो. जो ये बीच का हमारा टर्म बचा 3y, इसको मैं लिख सकता हूं 2y प्लस 1y, 2y प्लस 1y, ठीक है. कर दी हमने बीच की टर्म स्प्लिट. देखो इनको प्लस या माइनस करके तो बीच वाली टर्म आनी चाहिए, और इनको मल्टीप्लाई करके इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आना चाहिए. 2 और 1 को मल्टीप्लाई करके इन दोनों के, यानी 2 और 1 के मल्टीप्लाई, आप ही रहा यहां पे आराम से. इसके बाद y माइनस 1 को तो एज इट इज लिख दो. इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे हम, 2 और y दोनों कॉमन आ रहे हैं, और इसमें से जब 2y कॉमन निकाल लिया तो बचा हमारे पास y, और इसमें से जब 2y सभी कुछ कॉमन निकाल लिया बचा इसके पास 1. इन दोनों में से 1 कॉमन आएगा, वो भी प्लस का क्योंकि दोनों में प्लस है, और यहां भी हमारा आ जाएगा 1y प्लस 1. करके देख लो, 1 को y से मल्टीप्लाई किया 1y आया, या इसको y भी लिख सकते हैं, 1 को 1 से करा 1 आया, देन y माइनस 1, और यहां से y प्लस 1 कॉमन निकाल लिया,
और बचा हमारा 2y plus 1। तो यहां खत्म होता है हमारा ये क्वेश्चन और ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज। सो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन और एक्सरसाइज के साथ। तो तब तक के लिए कीप क्रैकिंग द कॉन्सेप्ट।